हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरुषि क्लासेज। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक महत्वपूर्ण जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद जी का, जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बोर्ड एग्ज़ाम में जीवन परिचय 2 नंबर का आता है और उनकी रचनाएं जो है 1 नंबर की आती है, यानी जीवन परिचय जो है 3 नंबर का आता है। तो आइए इसके विषय में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हैं जयशंकर प्रसाद। इनका जन्म हुआ था सन 1889 ईस्वी में और जन्म स्थान था इनका काशी। तो अब इसको लिखते कैसे हैं हम, और ऐसे लिखते हैं, जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में सुघनी साहू नाम से प्रचलित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था, और जिस परिवार में हुआ था, सुघनी साहू परिवार उसको बोलते हैं। इनके पिता का नाम था देवी प्रसाद। इनके पिता का क्या नाम था? देवी प्रसाद। तो हम लिखते हैं कि प्रसाद जी के पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनके परिवार का मुख्य व्यापार जो था तंबाकू का था, यानी इनका जो परिवार था तंबाकू का व्यापार करता था। ठीक। प्रसाद जी का बाल्यकाल सुख से बीता, परंतु युवावस्था में इनके पिता का स्वर्गवास हो गया और उनके 4 वर्ष बाद ही उनकी माता का भी देहावसान हो गया। इसलिए इनका जो लालन पालन पालन पोषण था, इनके बड़े भाई ने किया था, जिनका नाम था शंभू रत्न जी ने। इन्होंने शिक्षा क्या प्राप्त की? अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, हिंदी व संस्कृत का स्वाध्याय अध्ययन किया था इन्होंने। ठीक। इन्होंने, प्रसाद जी ने, फारसी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी शिक्षा की प्राप्ति घरेलू स्तर पर ही की। फिर वेद पुराण साहित्य दर्शन के स्वाध्याय से इन्होंने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। इसके बाद है, अब इनकी लेखन विधा क्या थी? लेखन विधा थी इनकी काव्य, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध। मतलब जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, इन्होंने काव्य भी लिखा, कहानी भी लिखी, उपन्यास, नाटक और निबंध ये सब लिखा इन्होंने। अब इनकी साहित्य में पहचान की बात करते हैं, तो ये छायावादी काव्यधारा के प्रवर्तक थे। साहित्य में इनका स्थान क्या था? ये जो है छायावादी काव्यधारा के प्रवर्तक है। इनकी जो साहित्यिक रचनाएं हैं, उसमें इन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया? तो इन्होंने साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है, साहित्यिक खड़ी बोली। अब शैली की बात करते हैं, तो जो इनकी शैली थी, विचारात्मक थी, अनुसंधानात्मक, इतिवृत्तात्मक, भावात्मक एवं चित्रात्मक थी। तो शैली कई प्रकार की होती हैं, आप 2-4 तो लिख सकते हैं हर एक लेखक के लिए। फिर साहित्य में स्थान क्या है इनका? प्रसाद जी को हिंदी साहित्य में नाटक को नई दिशा देने के कारण प्रसाद युग का निर्माणकर्ता तथा छायावाद का प्रवर्तक कहा जाता है। जो प्रसाद जी हैं, इनको जो है छायावाद का प्रवर्तक और प्रसाद युग का निर्माणकर्ता भी कहा जाता है। ये था जीवन परिचय। आप देख रहे हैं कितने टाइम से आया हुआ है, ये काफ़ी बार आता है, ये इसके विषय में मैंने आपको बता दिया है। ठीक। अब बात करते हैं इनकी कृतियों की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इसको याद जरूर करें। सबसे पहले आता है काव्य। इनके काव्य कौन कौन से हैं? आंसू, कामायनी, लहर, झरना और चित्राधार। उपन्यास, इरावती, तितली और कंकाल। उपन्यास इनके कौन कौन हैं? इरावती, तितली और कंकाल। कहानी कौन कौन सी हैं? आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि आदि। नाटक, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, सज्जन, कल्याणी परिणय, प्रायश्चित, जनमेजय का नागयज्ञ, विशाख व ध्रुवस्वामिनी, ये जो हैं इनके नाटक हैं। निबंध कौन कौन से हैं? काव्यकला एवं अन्य निबंध इनके जो है निबंध हैं। काव्यकला है, इसके अलावा अन्य निबंध भी इन्होंने लिखे हैं। तो फ्रेंड्स, ये था इनका काव्य रचनाएं। शैली मैंने आपको बताई दिया है। हिंदी साहित्य पे स्थान क्या है इनका? प्रसाद जी का व्यक्तित्व बहुमुखी प्रतिभा वाला है। वे कहानीकार, नाटककार, उपन्यासकार होने के साथ साथ कवित्व गुणों के धनी भी थे। युग प्रवर्तक साहित्यकार जयशंकर प्रसाद ने गद्य एवं काव्य दोनों ही विधाओं में रचना करके हिंदी साहित्य को सशक्त तथा प्रभावशाली पथ प्रदान किया है। महाकाव्यों की रचना करके प्रसाद जी ने आधुनिक काल में भी अपना अग्रिम स्थान ग्रहण किया है। हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद का नाम सर्वोपरि है, ऐसे लिखते हैं हिंदी साहित्य में स्थान। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपने देखा जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय और उनकी रचनाएं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे कहना चाहूँगा कि आप इसे याद करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।